पार्ट नौ पेज नंबर 146, पार्ट नौ पार्ट दस लाभ हानि। सवाल नंबर तीन, सुबीर चाचा ने 176 रुपया की एक घड़ी बेची है, कितना रुपया बेचे है? 76 रुपया को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य बेचे हैं तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 76 रुपया। यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% की हानि हुई, कितना परसेंट की हानि हुई? इसका मतलब 12% हानि का मतलब कितना रुपया? 100 रुपया में अगर आप खरीदे हैं, क्रय मूल्य अगर 16 कितना है, 100 रुपया, तो बेचे कितना में है? 12 रुपया कम में बेचे ना, 12% हानि मतलब 12 रुपया कम में बेचे थे, 88 रुपया में बेचे, कितना रुपया बेचे? बेचे। तो उन्होंने घड़ी में कितना में खरीदा था, दो तीन तरीका से बना सकते हैं, पर यहाँ जो बनाया गया है सूत्र से तरीका से, ये देखिए। तीन नंबर ध्यान दीजिए अच्छा से, 12% हानि क्या है? हानि हमेशा प्रतिशत हानि वाला लिखेंगे पहला, ठीक है, इसी से निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हानि विक्रय मूल्य, 100 रुपया में अगर खरीदे हैं तो हानि कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य, बेचे कितना में, 12 घटा देंगे, 12 रुपये कम में बेचे तो 88 रुपया में क्या किए, बेचे। तो 12% के हिसाब से, 12% हानि के हिसाब से कितना रुपया में बेचे, खरीदे कितना में, 100। इसी हिसाब से आपको ये निकालना पड़ेगा 176 रुपया, तो बेचे कितना में, 176 में, इस हिसाब से कितना में खरीदे थे, 88 में बेचे हैं, खरीदे में कितना, 100 में, इस 76 रुपये में बेचे हैं तो खरीदे कितना, इससे ज़्यादा कि इससे कम, इससे ज़्यादा में बेचेंगे ना, 88 में बेचे, खरीदे कितना में, 100, इससे ज़्यादा में खरीदे हैं तो इससे ज़्यादा में बेचेंगे। निकालेंगे कैसे, लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है क्रय में, क्लास 7 में पढ़े हो 83 नियम, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला को लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या है, क्रय मूल्य, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, इसका ऊपर जो रहता है 100, 5 जो भी रहेगा उसको उतार देंगे, गुना देंगे, सजा देंगे, गुना रहे से बट्टा के चिन्ह देंगे, और ऊपर नीचे क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, ऐसे इधर का लिखना है, इधर से क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखना है, मतलब इसको लिखना है ना, इधर से ही क्वेश्चन इसके तरफ करेंगे, इन दोनों में क्वेश्चन में होगा, कैसे होगा देखिए, अभी जो किए थे मैं, 88 रुपया में बेचे तो खरीदे में कितना में, 100, इससे ज़्यादा में बेचेंगे तो खरीदेंगे क्या, इससे ज़्यादा में ना, इससे ज़्यादा होगा, इसका मन क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा कौन है, वो ऊपर चला जाएगा, कम नीचे आ जाएगा। अब 88 से इसको भाग करेंगे, देखो 8 × 16 हाथ में, 8 × 16 = 17, दो बार गया, दो बार काट दिए, 100 में 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, सुबीर चाचा ने घड़ी कितने रुपये में खरीदा था, समझ में आ गया, यह 2 से आंसर होगा, आगे समझ में। अगला सवाल, 4 नंबर, अनवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये से खरीद कर 10 रुपये में, 30 रुपये में कितना नींबू खरीदी थी, 30 रुपये में कितना नींबू खरीदी है, 10 नींबू, तो एक नींबू का दाम कितना हुआ, 30 रुपया में 10 नींबू, एक नींबू का दाम 3 रुपया हो गया। इस तरह सवालों तो एक का हिसाब निकाला जाता है, 1 रुपया, तो 1 रुपया 3 रुपया ना, 3 रुपया, तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना हुआ, 3 रुपया, खरीदी मतलब 3 रुपया में खरीदी, एक नींबू कितने रुपये में खरीदी, बहुत अच्छा। अब आगे, एक नींबू का क्या रखेंगे, इससे हमको क्या पता चला, सिर्फ एक नींबू का पता चला। आगे, प्रति दर्जन 42 रुपया में बेचती है, एक दर्जन का मतलब 12 से भाग करिए, इसमें 12 × 60 = 72 नहीं कट रहा है ना, तो कहाँ तक कट रहा, वहां तक काटेंगे, बच्चा का काट नहीं है कि जब दशमलव वाला काटना हो बच्चों का था, अब आपको दशमलव वाला काटना पड़ेगा, जैसे 12 बाद में 24 बाद किया 36, 3 तक गया बस, उसके बाद नहीं जा रहा है, 36 घटा देंगे 12 से तो कितने, 42 से तो कितना बचेगा,
छह बचेगा ना, छ हुआ छ, छ को 12 से भाग करेंगे, 10 में लगा 0, कितना हुआ 12 पाँच 60, 8 आना आया, कितना आया सीधा सा देखो, 6 रुपया को 12 से भाग करेगा, 12 को 12 से भाग करते देखा था ना, छ मन आया था तो 50 पैसा हुआ, तो 3 रुपया और 50 पैसे कितना हो गया 3.5 रुपया, कितना हो गया एक नींबू को खरीदी कितना रुपया में 3 रुपया में, बेची कितना में 3.5 में, तो ज्यादा में बेची है ना, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3.5 रुपया, लाभ हुआ कि नहीं, कितना लाभ हुआ एक नींबू पर 50 पैसा का लाभ हुआ। आगे आते हैं, गन्ना करके देखें कि अनावरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये तो पता चल गया कि लाभ हुआ, हानि नहीं हुआ है, हो गया कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 100 में कितना लाभ हुआ, परसेंट मतलब 100, 100 में कितना लाभ हुआ पूछा है, क्या पूछा है, देखिए सवाल 4 नंबर है, प्रति नींबू के हिसाब से सवाल निकाला गया, किस हिसाब से, क्रय मूल्य कितना हुआ 30 नींबू बेचा, ये देखिए क्या लिखा हुआ था 10 नींबू बेचा 30 रुपया करके, तो 10 से भाग कर दिए तो 3 आ गया, एक नींबू का दाम कितना हुआ, यहाँ 12 से भाग कर दिया कितना आ गया 3.5 रुपया, बेचा खरीदा कितना में 3 में, हर नींबू को बेचा कितना में 3.5 में, लाभ कितना हुआ 3.5 से 3 घटा दिए 50 पैसा का लाभ, जी काटने के बाद आया है, ठीक है पेंसिल से काट कर देख लीजिएगा, हो गया तो ये पहले 4 है ना, 3 से कटा हुआ है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 बच गया 3 चौके 12, ठीक है फिर 2 से काटा गया, 2 दुनी 4, 2 7 7/2, 7 का आधा कितना होता है 3.5, इस तरह से आया, ठीक है 3.5 रुपया में से 3 में घटा देंगे तो कितना लाभ हो गया 50 पैसे लाभ हो गया, तो 100 में कितना लाभ होगा, यही ने बोला है सवाल में, 100 में 3 रुपया में 50 पैसा लाभ होता है, 100 में ज्यादा लाभ होगा ना, इससे तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा ऊपर नीचे कम, जब हम फिर बता दें कैसे लिखना है, इसके ऊपर लिखा जाता है, इसके ऊपर लाभ है ना, प्रतिशत लाभ हम लिख दिए पहले ही, ऐसे लाभ लिखने से भी चल जाता है, ठीक है लाभ बराबर इसके ऊपर उतार देंगे, उतार दिए जैसे ये लग किए थे, इसके ऊपर उतार देना, इसके ऊपर उतार देंगे, गुना चिन्ह देंगे, बट्टा देंगे, अब ऊपर नीचे लिखना है तो इस पर में से ऊपर नीचे कौन होगा, ऐसे फिर बात करेंगे, 50 पैसा लाभ होता है दाम में 3 रुपया है ना, 3 रुपया पर कितना लाभ होता है, तो 100 रुपया पर कितना लाभ होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊपर नीचे। अब आपका एक चीज़ और समझिए, यहाँ ऐसे कैसे में काट दिया, इसको अगर 50/100 आता है कि नहीं नीचे करोगे तो कितना आएगा, 50/100 होगा ना, 50/100 दशमलव में, दशमलव भिन्न को अगर भिन्न में बदलेंगे, दशमलव के लिए 1 आएगा, 2 घर के 2 सुनना, ये तो पता है नीचे 100/100 कट जाएगा, इसे मैं दशमलव लगाकर और इसको काट दिया, दशमलव काटा इधर 100 काटा, समझे, अब बचा क्या 50/3, 3 का पाड़ा पड़ो तो 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 20 हो गया 3 चौके 18, 2 बचा 2/3, सीधा से बात है 16 या 18 48, 2 बच गया 2/3 हुआ, ये हुआ आपका अनवरी बेगम को इतना परसेंट का लाभ हुआ, आया समझ में। अगला सवाल इधर नंबर 5, अमल बाबू ने ये तरीका दिया था, एक नींबू का क्रय मूल्य बनाकर बनाइए सवाल, बोला गया है मैं इसी तरह से बनाया हूँ, ठीक है संकेत है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, दाग लगा लीजिएगा, 4 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल में दाग लगा लीजिएगा। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, कितना पर बेचे मतलब क्या, कितना रुपये में खरीदे कितना रुपये में बेचे, 100 रुपया में खरीदे और 80 में बेचे, तभी तो हानि हुआ 20% का, बेचा किंतु और 200 रुपया ज्यादा पर बेचते, कितना पर
ज्यादा पर बेचते तो 5% का क्या होता? लाभ होता। और ज्यादा मतलब 100 रुपये में खरीदे हैं अगर, तो कितना बेचते? 105। इन मामला चल रहा है 105 पर बेचते हैं। तो उन्होंने चित्र कितने रुपया में खरीदा था? फिर से समझे सवाल, दो तरीका दिया है। अमल बाबू ने एक चित्र 20% आने पर बेचा, किंतु और 200 रुपये ज़्यादा पर बेचते तो कितना लाभ होता? 5% लाभ होता। तो क्या होगा, कितना में खरीदा? क्रय मूल्य पूछा है। अब सवाल को समझिए अच्छा से, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, 20% हानि पर बेचा, मतलब क्रय मूल्य 100 है, बेचा कितना में भैया? 80 में। 5% लाभ पर बेचा, मतलब क्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना में? 105। हाँ, तो परसेंट के हिसाब से ये है, हकीकत में, हकीकत के हिसाब से देखा जा रहा है ये परसेंट के हिसाब, ये हकीकत, असल में कितना ज़्यादा हो गया? देखिए अच्छा से, परसेंट 105 ज़्यादा हुआ ना, ये कितना था? 80। अभी कितना ज़्यादा हो गया परसेंट में? नहीं ज़्यादा हुआ, 20% हानि, 80 रुपये में बेचा, 5% लाभ पर थे, बेचा कितना? 105। तो परसेंटेज के हिसाब से कितना ज़्यादा में बेचा? 105 से घटाएंगे, कितना ज़्यादा बेचा? 25 रुपये ज़्यादा में बेचा। ठीक है, हकीकत में कितना ज़्यादा में बेचा? 200 रुपये। बोला ना, देखो 200 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, देख रहे हो है? हकीकत में कितना बेच रहा है, अब परसेंट में कितना बेच रहा है? ज़्यादा में हो गया। तो फिर बोला है क्या सवाल में, देखिए कितने रुपया में ख़रीदा था, बोला है ना कितने रुपया में खरीदा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छा से, ये 25 है ना, 25% यहाँ पर 100 का है, क्या माने हम लोग क्रय मूल्य माने हैं, 25% जैसे लाभ हुआ ना, ज़्यादा बेचा ना 25%, 25 का हिसाब 100 का है, 100 का मतलब क्रय मूल्य मान के चले हैं, तो 100 का मान निकालिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100 का मान निकालेंगे तो क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना, देखिए अच्छा से, 100 गुना कर दिए, गुना और ऊपर 100 नीचे 25। अच्छा 100 गुना करेंगे कि 200 गुना गुना करेंगे, 100 गुना करेंगे कि 200 गुना करेंगे, क्यों यहाँ पे बताइए, अभी मैं समझा था पर भूल से मैं 100 गुना बोल दिया, बताइए क्या होगा, 200 गुना होगा, क्यों होगा? अभी अभी तो सजाने का बताया ना, क्रय मूल्य ऊपर जो आता है, क्रय मूल्य पूछा लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला जो है उसको लिखेंगे ना, हमेशा क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला लिखा जाता है, उन्हें देखे ऐसे किया जाता है, इसको सजाना पड़ता है, समझे, तो क्वेश्चन मार्क ऊपर वाला तो लिखा जाता है यहाँ पर, हो गया 100 ऊपर लिखेंगे, 25 रुपया में 200 रुपया दाम है, 25% जब लाभ हो रहा ज़्यादा तो 200 रुपया में बैठा है, जब 100 में होता तो कितना होता, हो गया 100 ऊपर नीचे 25 से काट दिए 4 बार में तो 800 रुपया, 800 रुपये में खरीदा हुआ है, कितना? थोड़ा सा ये घुरा घुरा सवाल है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, समझिए अच्छा से, अमल बाबू ने चित्र को कितना रुपये में खरीदा था? 800 रुपये में, जैसे बताया हूँ, अगर ऐसे नहीं समझेंगे और बहुत बड़ा सवाल बनेगा ये, फिर से बात समझ लीजिए, क्रय मूल्य हम कितना मान के चले हैं? 100, तो कितना रुपया है इसको बेचे? 80, विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? घटाने के बाद विक्रय मूल्य के हिसाब से अगर देखा जाए ये 25 है, तो यह 25 पर तो ये इतना ज़्यादा बेचे ना, ये है, ये दो का मामला है, अगर हम 100 का दाम निकाल लेंगे तो होगा विक्रय मूल्य, 100 का हिसाब से निकालेंगे तो क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया, ये चीज़ से ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको अड़चन डाल रहा है, हो गया 100 के हिसाब से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये मतलब क्रय मूल्य आ रहा है, 100 का क्रय मूल्य है, क्या है? 100 का मान निकालें, 25 का 25 जो है विक्रय मूल्य घटाने से आया है, 100 है आपका, तो इसके नीचे क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि 100 का मान निकाल रहा है, ये 25 यहाँ से है तो क्रय मूल्य का 100 इस तरह से लिखा गया है, जो अड़चन डाल रहा है, और ये सवाल इस तरह से है, हो गया।
आप लोग का भी अपने सर से पूछ लीजिएगा, अगर दूसरा तरीका बनाना है तो बना देंगे, मैं तैसे बनाया। आगे समझ में, फिर से देख लेते हैं, पर्सन के हिसाब से ज़्यादा कितना है 25, हकीकत में कितना ज़्यादा है 100, तो 100 रुपये ज़्यादा होता, 100 का हिसाब से कितना होता तो निकाल दिए 800 रुपया होगा, कितना होगा 800। अगला सवाल, इसमें दाग लगा लिए, 5 नंबर इम्पोर्टेंट दाग लगा देंगे, 4 और 5, ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा नहीं, इधर से दे देंगे सर सवाल परीक्षा में। अगला, सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, क्या खरीदी है, यदि घड़ी को 370 रुपया में बेचे तो उसे जितना लाभ होता है, 370 रुपया में बेचे मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ, जितना लाभ होता है 280 रुपया में बेचने पर, 210 रुपया में ना बेचने में, मतलब ये भी विक्रय मूल्य है, उतना ही हानि होता है, हानि या लाभ क्या है बराबर है, इतना पर बेचने पर मान लीजिए 5 रुपया हानि हुआ या लाभ हुआ, इतना बेचने पर 5 रुपया लाभ होता है, हो गया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, क्या हुआ सवाल क्या बताइए, 370 रुपया में विक्रय मूल्य होने पर जितना लाभ होता है इतना रुपया बेचने पर उतना ही हानि होता है, हो गया, कैसे बनाएंगे, ये जोड़ का 2 से भाग करने से भी आंसर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ का 2 से भाग करेंगे ये आंसर आ जाएगा, जरिए जोड़िए, कहाँ है 370 और 210, जोड़िए कितना हुआ 500, 2 से भाग करिए 500 का आधा कितना होगा, 5 का आधा कितना होगा, छोड़ दीजिए 5 छोड़ दीजिए, 4 तो हुआ ना, 4 का आधा 2 हो गया, 5 का 1 उधर देगी, कितना हो जाएगा, आधा 18 हो गया ना, आधा 9 0, 290 रुपये हुआ ना, 580 का 80 का आधा कितना हुआ 40 हो गया, अब 500 का आधा 250, 250 और 40 हुआ 290, समझे, ऐसे आंसर होता है, पर आपको बना कर दिखाना है परीक्षा में, नौकरी वाला परीक्षा में इस तरह शॉर्टकट बना दें सब। अब देखिए सवाल को, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आएगा लाभ, हो गया, विक्रय मूल्य कितना है घटाओ क्रय मूल्य नहीं मालूम है लाभ, विक्रय मूल्य कितना मान गया माइनस 210 प्लस क्रय मूल्य हानि, हानि कब होता है जब विक्रय मूल्य कम होता है ना, इसलिए माइनस के सामने लिखा गया, और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य माइनस में रहता है तो क्या होता है लाभ, बात समझ में आ रहा है ना, जब आप बेचते हो वो ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है लाभ, जब आप बेचते हो और वो कम क्या हुआ, 370 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, इसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ, तो 210 रुपये क्या है, इसमें क्या जोड़ा गया है क्रय मूल्य, तो हानि, क्रय मूल्य प्लस, जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है तो ही ना हानि होता है, खरीदे ज़्यादा है बेचे कम में, इसलिए माइनस दिया गया, हो गया, प्रश्न अनुसार देखिए, 370 माइनस क्रय मूल्य, 370 माइनस बराबर क्रय मूल्य माइनस 210, इसको यहाँ लिखा गया है, ये तो बड़े समझ में आ गया, इसे 370 माइनस क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस में है तो इसको पहले लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस लिख दिए बराबर हुआ आगे, क्योंकि इधर सब बराबर है, अब क्या सूत्र क्या हुआ देखिए, तब माइनस क्रय मूल्य इधर हो गया ना, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्रय मूल्य इधर देखिए तो माइनस क्रय मूल्य बराबर, अरे समझ में, देखे तो माइनस 210 फिर इसको कहते हैं तो माइनस 70, क्रय मूल्य क्रय में जोड़ेंगे है खुद ही भरोसा, ये तो हुआ माइनस 2 क्रय मूल्य, और यहाँ कितना क्रय मूल्य 1 हो
क्रय मूल्य एक हो तो क्रय मूल्य को हो गया दो को माने दो क्रय मूल्य माने दो दस माने 370 को हो गया माइनस 580 माइनस माइनस कट गया दो से 580 काटेंगे 290 तो क्रय मूल्य बराबर तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ इतना कुछ अगर नहीं भी करेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है दोनों को जोड़कर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है ऐसा रहेगा दोनों को जोड़कर दो से भाग कर देंगे हो गया ये तरीका कैसे आया मैं दिखाया हूँ आगे समझ में अगला सवाल इधर नंबर सात नंबर दस तक करेंगे आज मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपया में क्या किए एक छाता खरीदी क्रय मूल्य कितना हो गया ठीक है अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर मतलब जो उसके ऊपर लिख रहा था MRP ठीक है मार्केट प्राइस 55% के छूट दे अच्छा 15% के कितना परसेंट छूट दिए हैं मतलब 100 रुपया दाम है अगर उसका लिखा हुआ 15 रुपया छोड़ दिए हैं तो कितने में दिए 85 रुपये में दिए बेचे कितना में ठीक है तो उस छाता का निर्धारित मूल्य कितना है कितना रुपया में उसका लिखा हुआ है उसके ऊपर ठीक है ये देखिए 15% का छूट का मतलब क्या हुआ पहला अभी तक आप लोग क्या क्या देख रहे हो जब भी छूट दे रहा है पहले छूट लिख रहा हूँ उसके हिसाब से बैठा रहे हैं तब सवाल बन रहा है ना या 15% पहले लिखा गया नियम देख रहे हैं ना जिसमें कोई छूट उठ का बात नहीं था इसलिए नहीं लिखा गया 15% का छूट निर्धारित ये सवाल अगर एक नंबर दो नंबर में आता है तो जोड़ का 200 भाग कर देंगे समझ में आया जितना लाभ उतना हानि पाँच नंबर में आए तो ही बनाएंगे इस तरह से पाँच नंबर का कमी चांस है 15% का छूट मतलब अगर निर्धारित मूल्य पर बोला कब बोला निर्धारित मूल्य पर जो दाम लिखा हुआ है जैसे कलम का दाम अगर 7 रुपये लिखा हुआ है आपको दिया गया 5 रुपये में निर्धारित मूल्य कितना इसका 7 या कितना में गया आपको छोड़ कर निर्धारित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य मतलब बहन के लिए खरीदी है बहन ने खरीदी ना पर दुकानदार क्या किया उनका मामा ने क्या किया बेचा दोनों काम एक साथ होता है देखिए ये कलम मैं बेच रहा हूँ आप खरीदे ना तो मैंने बेचा और आपने कितना रुपया में 5 रुपया में आप खरीदे कितना रुपया में 5 रुपया में साबिर इसको कितना में खरीदे 5 और हमने इसको कितना बेचा मेरी तरफ से कौन सा मूल्य है 5 रुपया विक्रय मूल्य हम तो बेचे और आपकी तरफ से 5 रुपया क्या है क्रय मूल्य एक मूल्य है पर दोनों का अलग अलग हो गया इसीलिए लिखा गया है मामा का विक्रय मूल्य या फिर बहन का क्रय मूल्य बात क्या हुआ ना माँ बहन खरीदी है मामा बेचे कितना हो गया देखिए 100 में से 15 घटा देंगे छूट दे दिए 85 रुपया हो गया अगर यहाँ पर क्या है फिर से 255 रुपया में एक छाता खरीदा है कौन अरुण मामा की दुकान से बहन ने खरीदा है ना तो बहन का क्रय मूल्य कितना हुआ 255 रुपया 255 रुपया में छाता खरीदी है तो कितना इसका दाम था छाता पर कितना रुपये दाम लिखा हुआ है आया समझ में समझे तो फिर से लिखेंगे निर्धारित मूल्य लिख दिए बराबर 100 ऊपर का लिख देंगे गुना अब 85 रुपया में जब खरीदती है तो दाम कितना 100 रुपया इससे ज़्यादा में खरीदे तो इसका ज़्यादा होगा ना दाम ज़्यादा ऊपर नीचे कम अब ध्यान से काटेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा गया था 100 गलती से यहाँ 225 लिख दिया गया 100 होगा हो गया काटा जा रहा है देखिए 5 का पड़ा याद है 5 एकम लास्ट में 5 है ना 5 एकम 5 कितना बचा 3 5 7 35 5 बजे 25 5 एकम 5 अब 17 का पड़ा 17 3 51 100 × 3 300 छाता का निर्धारित मूल्य कितना है 300 रुपया लिखा हुआ है 225 रुपये में 55 रुपये खरीद दिया हो गया 8 नंबर सवाल मेरी मित्र है क्या मेरी मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है कितना में खरीदता है 25% मेरा मित्र 25% छूट पर खरीदता है मतलब लिखा हुआ दाम कितना है किताब के ऊपर
100 रुपया, 25% छूट, मतलब कितना रुपया पे खरीदा? 75 रुपया में, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हुआ? 75 रुपया खरीदा। यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे, कितना पर? जितना में निर्धारित मूल्य, मतलब 100 रुपया में ही बेचे, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? गणना करके देखिए, देखिए कितना परसेंट छूट पर? 25%, मतलब क्या हुआ? निर्धारित मूल्य 100, छूट कितना है? 25, तो क्रय किया कितना में? 75 रुपया में। ये क्रय हुआ या फिर विक्रय हुआ, जैसे वहाँ बताया था ना, खरीदा या फिर वो बेचा 75 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ? 25। 75 रुपया में अगर बेचता तो लाभ कितना हो गया? ये बोला है ना, देखा गया भैया, तो 100 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? हो गया, इसके ऊपर लिख देंगे 100 ऊपर नीचे 25 दिया 75, 300 100 में, 300 में भागा जाता है नहीं ना, तो एक हटा देंगे 99 जाएगा, 399 भागा 33, 1/3 मेरे मित्र को इतना परसेंट लाभ होगा। आगे समझ में? चलिए अगला 9 नंबर, 8 हो गए ना। नियामत चाचा ने 5 रुपया की दर से क्या खरीदे? 150 अंडे खरीदे। कितना अंडे खरीदे? 5 रुपया के हिसाब से कितना अंडे खरीदे? 150 अंडे खरीदे। एक अंडा का दाम कितना था? कुल कितना अंडा खरीदे? 150 अंडा खरीदे। कितना अंडा खरीदे? एक अंडा का दाम कितना है? 5 रुपया। कुल कितना अंडा खरीदे? तो कितना रुपया लगा इनको? 15 × 5 = 75, 750 रुपया लगा। कितना लगा? मैंने 750 रुपये में अंडा खरीद के लाए। कितना अंडा? 150 अंडा। अच्छा, आगे दुकान है ना उनका, ध्यान रखिए। कितना रुपया इन्वेस्ट किया अभी? 750 रुपये। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेश। निवेश करने का मतलब, निवेश करना मतलब ऐसा खर्चा जो खर्चा नहीं है, वापस पैसा देने वाला है। 750 में लगाए ना, तो 750 वापस आएगा, प्लस लाभ भी लाएगा। समझ आ गया? उसको बोलते हैं निवेश। वो 750 में कुछ लेकर आएगा, समझे? अब खर्चा मतलब गया, कलम खरीद लिए, पैसा गया। पर ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट है, जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए खरीदे हो ना, पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे, पैसा आएगा, तभी ये निवेश कर, ठीक है। कपड़ा खरीद रहे हो, वो क्या खर्चा के निवेश? खर्चा, वो कपड़ा का बेच रहे हो तो खरीद कर तब निवेश। समझना कि ऐसा है सिस्टम। दूल्हा को सजा कर भेजते हैं ना, दूल्हा को अच्छा सा कपड़ा पहना है, वो निवेश है दुल्हन दिखाने से पहले कि खर्चा है? खर्चा निवेश है। दहेज भी लेगा ना ज़्यादा, आज जितना अच्छा पहना हो उतना अच्छा दहेज मिलेगा। दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है कि लेना अपराध है? लेना भी तो दे सकते हैं? नहीं, देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है, ठीक है। मांगता है तभी ना देते हैं। हाँ, मांगता है तभी देते हैं। मांगना अपराध अपराध हुआ कि लेना अपराध हुआ? समझिए अच्छा से, मांगना अपराध हुआ कि लेना अपराध हुआ? मांगना ना मांगे, खुद से बेटी के लेकर तो देगा कोई, तो अपराध नहीं है। तो समझ में आ रहा बात? बेटी को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बेटी को दे रहे हैं, तो बेटी कोई भी दे सकता है, दे सकता ना, अपनी जमाई को भी दे सकता है, पर मांगना अपराध। लेकिन मांगता नहीं है क्या? दबाव नहीं मांगता है क्यों? बाप से आप नहीं मांगते हो कि मुझे एक शर्ट दीजिए, मुझे बाइक दीजिए, मांगते हैं ना? तो वो तो दामाद ने दूसरा बाप पाया, अब तो बाप से मांगेगा नहीं, मुझे गाड़ी दीजिए, मुझे ये दीजिए, मांगेगा ना? गाड़ी वाली तो ठीक है। अब पता रहा कि दुल्हन जब मांगने का ही बात है तो घड़ी क्यों कभी मांगेगा? बोलेगा हमको 4 व्हीलर दे दीजिए, 2 का मकान दे दीजिए, 10 लाख रुपया दे दीजिए घूमने फिरने का, बेचना पड़ेगा। हो गया। अब इधर से देखिए, लड़की ससुराल ससुर से भी मांग सकती है, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, लेकिन वो नहीं मांग रही, तो गलती लड़कियों का है ना, लड़कियों के अपना हिसाब भेजे।
लड़का अपना ससुर से मांग रहा है तो लड़की को भी क्या करना, बंद मत करिए, सुनिए अच्छा से, लड़की को भी अपने ससुर से मांगना चाहिए ना, नहीं मांगती तो उनका कमी है ना, इसमें लेना देना क्या अपराध है, लड़कियां भी मांगे अपना ससुर से। एक बार झगड़ा हो गया ना, एक पत्नी बोल रही है आप मेरी माँ को आप पसंद नहीं करते हैं, अपनी माँ को इतना मानती, मेरी माँ आती तो टेढ़ा मुंह देखते हैं, एक कुत्ता था पोंछ लाता था, इसमें भी भाषण, एक कुत्ता था पोंछ लाता था, ठीक है, तो उसका पोंछ काट दिए, मेरी माँ जब आती थी तो, ठीक है, कोई नहीं पूछता है, तो वो क्या बोले, देखो ऐसा बात नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को, मतलब कि तुम्हारी सास को अपने सास से, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सास को अपने सास से ज्यादा मानता हूँ। लड़के ने क्या कहा, मैं तुम्हारी सास को अपने सास से ज्यादा मानता हूँ, क्या मतलब, मतलब उसकी मम्मी से इसकी मम्मी को ज्यादा मानते हैं, तो अच्छा ही ना हुआ है, कहाँ खराब कर रहा है, लड़कियों में कमी है, अभी बराबरी बराबरी कर रहे हैं ना, कंधा से कंधा मिला जाते हैं, तो पीछे मत हटिए, आगे बढ़ने वाला काम में ना, आगे उदय मांग रहा है नहीं बोलेंगे, मांगो जितना मांगना है, हम भी मांगेंगे, मेरा भी ये लिस्ट है, तभी हम शादी करेंगे, और लड़की डबल मांगे क्यों, क्यों लड़की तो दुनिया समझता है घर सलाना है सब कुछ करना है, लड़का तो हमारे नहीं करेगा, घर का बाल बच्चा आगे चल रहा कौन संभालेगा, सास ससुर बीमार होगा तो कौन संभालेगा, लड़की संभालेगी ना, घर पर तो उसको रहना है, तो मुझे डबल हिसाब है, तो मांगेगा 10 लाख ना, तो लड़के मांग चाहिए 20 लाख 50 लाख ठीक बोले, पर ऐसा होंगे तब ना, पढ़ाई लिखाई ऐसे कर रहे हैं, लड़कियां ऐसे पढ़ रही हैं जैसे कि वो किसी पिल्ला का बनाएंगी, वो गधा के भी कूटाएं बनाकर वही कमाएगा हम खाएंगे, ये सोच कर ही पढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, वो अपने पैर पर खड़ा होने का पढ़ाई अगर करती है तो मांग सकती आगे चलकर, बस वो तो भिगमंगा शुरू से बन जा रही है कि ससुर मेरा पति कमाएगा और हम खाएंगे घर में बैठ के, ऐसे ही सोच कर बढ़ रही है तो कहाँ से मांगेंगे, समझ आ गया, लेकिन कोई सरकारी नौकरी कर रही है मजा ले, कोई आकर मांग ले उससे इतना रुपया देना पड़ेगा इतना, ऐसे मांगता है कोई, जानता है तो सरकारी नौकरी कर ही रही है, समझ आ गया, खैर मांगने वाला बात बराबरी का होना चाहिए, इधर से ही मांगा मांगी कही तब मांगता नहीं है कोई, फिर 8 अंडे फूट गए, हाँ फूट गए, कितना अंडा फूट गया, अंडा है तो फूटेगा ही, कहाँ गया, 8 नंबर ना, कौन 9 नंबर, किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए, तो एक अंडा का दाम कितना था, तो 8 अंडा का दाम कितना हो गया, 40 रुपये गया, आगे 7 अंडे सड़ गए, और अभी 7 सड़ भी गया, अंडा सड़ता कैसे बताइए, तो कैसे पता चलता कि अंडा बनाने से पहले आपको कैसे पता चला सड़ गया है, एक तो फोड़ोगे गजब का बदबू देगा, ऑमलेट बना रहे हो अगर तो प्याज बस काट दियो फोड़ डालो तो प्याज गया मर्चा गया सब खराब खराब ना हो गया, और डालर अगर उसको इसमें ये कर दे रहे हो उबालने या जो भी करने तो वो भी खराब हो गया, जो भी जिसमें डाल रहे हो आप कैसे पहचानेंगे अंडा खराब है कि अच्छा है, पानी में डालेंगे ना तो अंडा उबल जाता है, पानी के ऊपर आ जाएगा तो समझो सड़ गया है, और डूब गया तो सड़ा हुआ नहीं, थोड़ा जांच तो कर ही सकते हैं, वैसे भी ऑमलेट बनाने के पहले फोड़ते हैं ना, तो फोड़ने के बाद ऐसे करते हैं तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है, तो गंदगी उसके ऊपर गंदगी चला जाता है ना, उसे थोड़ा सा हल्का सा धोने के लिए नहीं बोल रगड़ रगड़ कर पानी में एक बार डाल ही सकते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा पोंछ सकते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं घुस जाता है तो वैसे वेट जो पहचान लेता है ना वेट करके समझ जाएगा भारी है तो क्या है, दूसरा चीज़ हिलाओगे ना अगर तो हिलेगा नहीं, और हिलता है गड़ रहा तो समझो उग गया, पानी जैसे हिलेगा तो समझो सड़ गया है, हाँ सड़ा हुआ अंडा है हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध जैसा देता है, छूट गया 7 क्या हो गया, कहाँ गया, अब तो पानी में डाल डाल कर नहीं देख रहे होंगे, ये अनुभव भी ऐसा हाथ उठाएंगे हल्का लगा हिलाए समझ के सड़ गया, कितना रुपया यहाँ गया 7 बचे 35 रुपया, तो वहाँ कितना गया था 8 7 15 15 अंडा गया 15 बचे 75 रुपया 8 7 15 ना 15 बचे
75 घटाइए तो कितना हुआ, खरीदे कितना में, 150 में कितना चला गया, 75 रुपया चला गया है ना। तो 6 रुपया की दर से अंडे को बेचा, कितने रुपया हिसाब से बेचे, तो नहीं हमारे चाचा को कितना रुपया, कितना परसेंट का लाभ हुआ, हो गया 6 रुपये से बेचे। देखते समय नहीं हम लोग का फटाफट, ठीक है 50 अंडे का क्रमल कितना हो गया हम बता दे रहे, 750 रुपया खरीदे हैं, 8 अंडा फूट गया, 7 अंडा सड़ गया, 150 में से कितना अंडा घटा दिए, 15 अंडा, कितना बचा है, 135 अंडा, 135 अंडा का क्रमल कितना हो गया, 750 रुपया खरीदे ना, खरीदे 750 रुपया में, ठीक है 135 अंडा को बेचे कितना में, 6 रुपया करके बेचे हैं, ताकि 750 खरीदे कितना अंडा का, 135 अंडों का क्रमल कितना हो गया, 750 पहले कितना था, 750 अंडों का ना, 150 अंडों का था, अब कितना हो गया, 135 अंडों का खरीदे 750 रुपया में, सरकार रुपया फेंक दिए, कुल पैसा कितना लगा, 750 रुपया कितना पर, 135, अब 135 को ही बेचेंगे ना, 6 रुपया करके कितना में बेचे, 810 में बेचे, खरीदे कितना में, अभी भी लाभ हो रहा है, देखिए 750 में खरीदे, 810 में बेचे, लाभ कितना हो गया, 60 रुपया, 100 में कितना लाभ होगा, तो 100 गुना ऐसे लिखेंगे, ये प्रतिशत लाभ लिखकर 160 लिखेंगे, गुना करेंगे 750 में, तो 100 में कितना कम की ज़्यादा, ये अलग हो गया, देखिए 750 रुपया में खरीदे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, 60, तो 100 रुपया में खरीदेंगे तो कितना लाभ होगा, इससे कम होगा ना, 60 से कम होगा ना, कम होगा तो कम ऊपर नीचे ज्यादा, कम ऊपर नीचे ज्यादा, सुनना से सुनना कट गया, कैसे कटा हुआ देख लिए, 25 है ना, 25 दिया 75, क्योंकि इस सुनना से सुनना काटा गया, इस सुनना से 25 दिया 75, 25 होके 100, 3 से फिर काटा गया, 3 दुनी 6, 4 दुनी कितना परसेंट लाभ हुआ, 8% लाभ हुआ, ठीक है जैसे भी काटिए आराम से।